एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमें बात करनी है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईसीजी मशीन। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी कार्डियक फिजियोलॉजी की, ये सेकंड वीडियो है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो पर स्विच करिएगा। तो आज क्या है बेसिक प्रिंसिपल फॉर ईसीजी मशीन, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम ईसीजी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब ये मशीन कैसे काम करती है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जैसे वेक्टर का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल माइग्रेशंस हो गए, इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन हो गए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ आपने नहीं अटेंड करी, ये चीज़ अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन आप कभी अप टू द मार्क जो है उसको नहीं समझ सकते। तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर रखा है और आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की हम बात कर लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ईसीजी एक मशीन है, ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर उसी का ही पार्ट है, या गैल्वेनोमीटर ही ईसीजी मशीन है, ठीक है। ये क्या करता है, जो छोटा सा वोल्टेज होता है, जो स्मॉल वोल्टेज होता है, बेसिकली उस इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो आपका स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट है उसको मेजर करने के काम में आता है। सेकंड क्या होता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्डियक मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग फ्रॉम द हार्ट सच एज ईसीजी। तो हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे, पोलराइजेशन की एंड डीपोलराइजेशन की, ठीक। तो ये जो पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो ईसीजी के फॉर्म में होता है वो गैल्वेनोमीटर जो है सेंस करता है, ये स्टोरी है। और ये एक बेसिक डायग्राम है गैल्वेनोमीटर का, कि ये जो आपका होता है ये निडल होता है, यहाँ पर आपका जीरो मतलब न्यूट्रल होता है, फिर आपके ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इस तरफ आपका नेगेटिव चार्जेस होता है, और ये आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका नेगेटिव साइड, दूसरा होता है आपका पॉजिटिव साइड। और ये जो दोनों वायर होते हैं नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड, यहाँ पर आपका मसल्स, जो आपकी हार्ट की जो मसल्स होती हैं या जो आपकी मायोकार्डियल सेल्स होती हैं, नोडल सेल्स होती हैं, बेसिकली वहाँ पे इसको अटैच किया जाता है। और उस अटैचमेंट के बाद ये जो फ्लो है, जब जैसे अगर हमें ईसीजी की बात कर रहे हैं तो ईसीजी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो कैसे आर्ट्रियल या वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, वो कई के थ्रू हो रहा था, इलेक्ट्रिकल इवेंट के थ्रू। और वो जो जो हमारे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स थे वो बेसिकली क्या थे, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। और वो जो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन थे उन्हीं को सेंस करते हैं ये दोनों वायर, आपके कैथोड एंड एनोड, जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो होता क्या है, एक ईसीजी मशीन होता है जिसमें दो वायर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, और इन वायर्स को आपकी बॉडी के अप्रोप्रिएट जो पार्ट हैं उनमें लगा दिया जाता है, और उसके बाद करंट फ्लो का मेजरमेंट होता है कि किस तरीके से जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो निडल है उसी डायरेक्शन में मूव करती है। ये कैसे मूव करती है अभी आगे चल के मैं आपको समझा दूंगी। अब ये देखो, ये वर्किंग फेज ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ठीक। मतलब क्या क्या होता है, पहला तो है आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो मैंने बताया है कि कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा, वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू, जब पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन होगा तो पहला वो है। सेकंड क्या है कि दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्ट। जब आप हार्ट कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आप हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, आप एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, आप ईसीजी की बात कर रहे हैं, आप स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो पूरी एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो हार्ट कोऑर्डिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग द कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आर इलेक्ट्रोड आर द प्लेस ऑन स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ बॉडी, जैसे क्या क्या है, चेस्ट हो गया, आपका लिम्स हो गया एंड अदर डिजाइनेट एरिया। तो ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगी जिस दिन हम ईसीजी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद की जो क्लास होगी वहां पर मैं आपको बताऊंगी जो ईसीजी के वायर हैं, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो बॉडी में कहाँ प्लेस किया जाता है।
और ये जो इलेक्ट्रोड है ये कनेक्टेड होते हैं गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट है आपका निडल मूवमेंट। तो जो आपका निडल मूवमेंट है वो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन जो आपका एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन की वजह से, उसका डायरेक्शन क्या है, वो जो मैग्नीट्यूड क्या है उसका डायरेक्शन क्या है, उस बेसिस पे आपकी जो निडल है उसका मूवमेंट होता है। यदि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो आपकी निडल खट से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड कम है और पॉजिटिव है तो आपकी निडल आराम से जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड लार्ज है, नेगेटिव है, तो खट से नेगेटिव की तरफ जाएगी। और लार्ज मतलब कि जैसे जहाँ एक नेगेटिव एंड सेकेंड नेगेटिव पॉइंट को क्रॉस करेगी। और अगर आपका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है लेकिन स्मॉल है तो आराम से जाएगी। तो इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, वो अभी मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊंगी। तो बेसिकली निडल किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड कितना है। अब रिकॉर्डिंग की अगर बात करें, द मूवमेंट ऑफ द निडल इज टिपिकली रिकॉर्डेड ऑन द पीसेस ऑफ पेपर। तो होता क्या है, ईसीजी जो मशीन है, गैल्वेनोमीटर है, तो वो बिल्कुल वैसे है जैसे आपने कभी टाइपिंग करने वाला वो टाइपराइटर देखा होगा, टाइपर देखा होगा। वो क्या करता है, बेसिकली आप टाइप करते जाते हैं, पेज लगा देते हैं और टाइपिंग होती जाती है, वो पेज बाहर की तरफ निकलता जाता है। तो वैसे ही ईसीजी मशीन है, उसमें क्या होता है कि एक तरफ तो आपकी पूरी मशीन होती है जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट को सेंस कर रही होती है, सेकंड में आपका एक पेज लगा हुआ होता है। तो वो जो वायर है वो कुछ इस तरीके का चलता है, ऐसे ऐसे जैसे 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 आपकी हार्ट रेट बढ़ी तो ऐसे ऐसे ये तो आपका चल रहा है इलेक्ट्रिकल या निडल का वो हो रहा है मूवमेंट, लेकिन वो निडल का मूवमेंट जो है वो एक पेपर पे होता है। जिस दिन हम ईसीजी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो मैं वो पेपर का डायरेक्शन भी आपको बताऊंगी, मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगी। जैसे कभी अगर आपके सामने किसी की रिपोर्ट भी आती है ईसीजी की, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि कैसा क्या चल रहा है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। उसी टाइम हम ये जो पेपर का डिस्कशन है कि कैसे पेपर पीसेस आगे आ रहा है, कैसे ईसीजी मशीन उस पर ड्रॉ कर रही है हार्ट की जो आपकी ओरिकल और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन है, वो मैं आपको बताऊंगी। इंटरप्रिटेशन क्यों हम ईसीजी करते हैं, गैल्वेनोमीटर का बेसिकली क्या है, जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस सिग्नल को असेस करते हैं और हमें बताते हैं कि जैसे आपकी हार्ट रेट है, रिदम है, या किसी तरीके की कोई क्या एबनॉर्मेलिटीज है, या मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन है, रीपोलराइजेशन के पैटर्न में कोई चेंजेस है। तो बेसिकली एक नॉर्मल पर्सन एंड एबनॉर्मेलिटीज का पता करने के लिए ये किया जाता है। अब ये वेक्टर के बारे में जान लो, वेक्टर क्या है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन होता है, तो अगर मैं डीपोलराइजेशन की बात करूँ तो दूसरे तरीके से मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि पॉजिटिव चार्ज का माइग्रेशन है, क्योंकि अब यहाँ पर हम डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन शब्द कम इस्तेमाल करके डीपोलराइजेशन को कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज एंड रीपोलराइज को कहेंगे नेगेटिव चार्ज का मोमेंट। क्यों, क्योंकि ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में थी तो ये -90 थी, और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हुआ तो ये +40 तक जाती है या 0 तक जाती है। तो ये कहां नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुई, तो डीपोलराइजेशन बेसिकली क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट ही हुआ। जब पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आएंगे तो मेम्ब्रेन की नेगेटिविटी कम होती है, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है, फिनोमिना नहीं कंसेप्ट कह लो, बेसिकली वेक्टर ये है कि आपका एम्पलीट्यूड कैसा है, आपका एम्पलीट्यूड या आपका स्टिमुलेशन स्ट्रॉन्ग है या लार्ज है, आपके जो चार्ज का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको आप वेक्टर के थ्रू ही शो करते हैं। तो वेक्टर क्या है, इज अ कंसेप्ट इज यूज्ड या टर्म्स है, वेक्टर एक टर्म है, ठीक है, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्टिमुलेशन लार्ज है या कम है, उसका डायरेक्शन वो पॉजिटिव साइड जा रही है, जो आपकी मशीन थी उसमें दो साइड मैंने बताई थी, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो वेक्टर जो है ये डिफाइन करता है। यही उसकी सेकेंड डेफिनेशन है, मतलब उसी बात को मैंने थोड़ा 3 lines में लिख दिया है जिससे आप एकदम समझ जाए, क्योंकि पूरी कहानी वेक्टर पे है तो वेक्टर को समझना जरूरी है। In a simplified sense, the heart's
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैन बी थॉट टू एज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल. बिल्कुल, अगर आप हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात करें तो क्या है, चार्ज पार्टिकल्स जो है उनके मूवमेंट की बात हो रही है कि चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं. टू कार्डियक मसल सेल्स, बिल्कुल, एज दीज आयन मूव दे क्रिएट इलेक्ट्रिकल करेंट दैट स्प्रेड थ्रू द हार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो सबसे पहले क्या हुआ, जो आपके आयन्स हैं उनने इलेक्ट्रिकल करंट को क्रिएट करा और उस इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन क्या है वो बेसिकली आपके वेक्टर के थ्रू डिफाइन किया जाता है. अब वेक्टर टू टाइप्स के होते हैं. पहला है आपका स्ट्रॉन्ग वेक्टर. स्ट्रॉन्ग वेक्टर मीनिंग क्या है कि स्ट्रॉन्ग वेक्टर जो है वो एक टिपिकली रिफर करा जाता है प्रोमिनेंटली एंड वेल डिफाइंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. आप अपने वेक्टर को स्ट्रॉन्ग तब कहेंगे जब आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट है, वो प्रोमिनेंट है, वो बहुत ज़्यादा है. और वीक वेक्टर क्या है, जब ये आपका करंट लेस रहे, लेस प्रोमिनेंट रहे या स्मॉलर रहे, बस इतना ही है. अब वेक्टर आप समझ गए होंगे कि वेक्टर क्या है. बेसिकली एक कंसेप्ट, एक टर्म है जो डिफाइन करेगा आपकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उनका मैग्नीट्यूड क्या है प्लस में उनका डायरेक्शन क्या है. अब ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करो. इसमें किया क्या गया था कि पहले जैसे आपने हार्ट लिया, हार्ट में एक छोटा सा कट करा और एक स्मॉल पीसेस जो है मायोकार्डियल सेल्स जो थे, स्मॉल पार्ट ऑफ मायोकार्डियम, यहाँ से कट करके लिया. अभी केवल हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये ECG नहीं है. ये कभी बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हमें देखना है हार्ट को उठाया, पूरे हार्ट का हम नहीं यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, एक छोटे से पीस का, ठीक है. और उस छोटे से पीस के जो ये आपका, ये क्या था, ये आपका गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और इन इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ पे फिट कर दिया. जैसे ही हमने फिट करा, अब हमने स्टडी करी शुरू. तो स्टार्टिंग में क्या है, मेम्ब्रेन है आपकी रस्टिंग स्टेज में. जब आपकी मेम्ब्रेन रस्टिंग स्टेज में है तो चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं होगा. अब एक चीज और यहाँ पे सुनिए, जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है ये चार्ज के मूवमेंट को डिनोट करता है. ये आपके चार्ज को डिनोट, मतलब जैसे ये है, अगर मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पे ही है तो वो 70-90, मतलब उसका रेस्टिंग स्टेज कितना भी हो, मतलब वो बढ़ के कितना भी चला, जैसे एक चार्ज है, जैसे मैं अगर चार्ज हूँ, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, तो चार्ज मुझ पर 70 कर दिया जाए, 90 कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए, 200 कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक माइग्रेशन ना हो, मतलब जब तक मैं या तो यहाँ ना जाऊँ या तो मैं यहाँ ना जाऊँ. तो गैल्वेनोमीटर इसके मूवमेंट्स को ही डिनोट करता है. तो मूवमेंट बेसिकली हमें क्या, मूवमेंट्स पर ही ध्यान देना है. तो अभी मेम्ब्रेन क्या है, रेस्टिंग स्टेज पे है. रेस्टिंग स्टेज पे है मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है चार्ज का, बेसिकली वो आपकी -90 पे स्टेबलाइज है. तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी निडल है, क्योंकि निडल के थ्रू ही मैंने आपको बताया, निडल क्या है, वो मूवमेंट करती है, वो सेंस करती है कि पॉजिटिव तरफ करे या नेगेटिव तरफ करे. तो अभी तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है चार्ज का, तो ये न्यूट्रल है, जीरो पे है. अब क्या करा हमने, इसको दिया स्टिमुलेशन. जैसे हमने इसको स्टिमुलस दिया, इस तरफ से दिया हमने, यहाँ इस साइड से दिया, तो होगा क्या, मेम्ब्रेन जो है वो पार्शियली डिपोलराइज्ड हो रही है. पार्शियली डिपोलराइज्ड हुई है, जब हमने इस डायरेक्शन में दिया तो हमारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूवमेंट करना शुरू करे. जब इस तरफ इनने मूवमेंट करना शुरू करा तो इनका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, पॉजिटिव तरफ हो रहा है. तो चार्ज का मूवमेंट यदि इलेक्ट्रोड की पॉजिटिव साइड की तरफ होगा तो आपकी निडल पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी, और चार्ज का मूवमेंट यदि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा तो वो नेगेटिव मूवमेंट करेगी. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा, बिल्कुल छोटा सा है, याद रख लोगे आराम से. तो क्या हुआ, स्टिमुलेशन हुआ. जैसे ही स्टिमुलेशन हुआ तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव की तरफ मूव करी, तो आपकी निडल जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव हो गई. फिर इसके बाद, लेकिन अभी मेम्ब्रेन आपकी पार्शियली है. फिर इसके बाद जब आपकी मेम्ब्रेन फुल्ली डिपोलराइज्ड हुई, मतलब पूरी जगह आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब वेक्टर अगेन क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया, वेक्टर डिसअपियर हो गया. यहाँ पर वेक्टर आपका पॉजिटिवली चार्ज था, क्योंकि वेक्टर क्या दिखा रहा है, बेसिकली डायरेक्शन दिखा रहा था आपके चार्जेस का. तो यहाँ पर वेक्टर आपको पॉजिटिवली चार्ज मिला, यहाँ डिसअपियर हो गया. क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन अब फुल्ली चार्ज है. फुल्ली चार्ज है मतलब अब मूवमेंट हो ही नहीं रहा. जैसे अगर इतना पीस था
तो यहां से जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा था तो वेक्टर ने सेंस करा, लेकिन जब यहां तक इसका मूवमेंट खत्म हो गया तो एक स्टेज ऐसी बची जब चार्ज को मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं, और जब चार्ज को मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं तो वेक्टर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा है चार्ज के मूवमेंट पे। ठीक, तो मूवमेंट नहीं हुआ मतलब वेक्टर डिसअपियर हो गया, और जब रेस्टिंग स्टेज में थी तो भी वेक्टर नहीं होगा, और जब आपका ये मेम्ब्रेन फुल्ली डीपोलराइज्ड रहेगी तो भी वेक्टर नहीं रहेगा, जब फुल्ली रिपोलराइज्ड रहेगी तो भी वेक्टर डिसअपियर हो जाता है। अब इसके बाद इनिशियली रिपोलराइजेशन हुआ, क्योंकि अब एक बार मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हुई, अब रिपोलराइज्ड हो रही है मतलब क्या कर रही है, जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई थी मेम्ब्रेन, जो उसका नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पे -70 था, डिपोलराइजेशन से होके वो जीरो पे पहुँच गया था, इवन और आगे पॉजिटिव चार्ज में पहुँच गया था। फिर उसके बाद जब रिपोलराइजेशन हुआ तो वो अगेन नेगेटिव स्टेज में आ रही है, तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होगा। तो यहाँ तक आपका कहाँ से, यहाँ से स्टिमुलेशन दिया तो पहले चार्ज यहाँ आया, फिर चार्ज फुल्ली हो गया, फिर अब यहीं से ये नेगेटिव होना शुरू होगा, मतलब यहीं से मेम्ब्रेन का रिपोलराइजेशन शुरू होगा। तो इस डायरेक्शन में मेम्ब्रेन का हो रहा है रिपोलराइजेशन, तो मतलब आपके ये जो चार्जेस हैं ये जा रहा है नेगेटिव की तरफ। लेकिन मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है कि जब नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलता है तो उसको पॉजिटिव बना देता है, तो आपकी ये जो नेडल है इसी वजह से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुई है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, कि बस इतना ही याद रखना कि नेगेटिव और नेगेटिव मिलेंगे, ये नेगेटिव चार्ज था प्लस में नेगेटिव की तरफ ही जा रहा था तो पॉजिटिव हो गया, और मेम्ब्रेन जो है जो निडल है वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो पॉजिटिव ही क्रिएट करते हैं, ये हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्लास से ही। अगर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज अगेन पॉजिटिव बना तो पॉजिटिव, ये तो खैर न्यूट्रल है ये सिचुएशन, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा तो पॉजिटिव ही डिनोट करेगा, लेकिन जब नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव बना लेगा, दो नेगेटिव पास में मिलके पॉजिटिव बना देते हैं, इसीलिए जो नेडल है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया, सिंपली इस पोर पे आपको स्टिमुलेट दिया हमने मेम्ब्रेन को, जब आपकी मेम्ब्रेन पार्शियली डिपोलराइज थी तो इस तरीके की सिचुएशन बनी, नेगेटिव डिपोलराइज थी तो उस तरीके की सिचुएशन बनी, और जब आपकी मेम्ब्रेन फुल्ली डिपोलराइज थी तो न्यूट्रल सिचुएशन थी। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ये तो बिल्कुल एज इट इज है, जब रेस्टिंग स्टेज में है निडल कहीं मूव नहीं करेगी, न्यूट्रल स्टेज है, स्टिमुलेशन दिया। इस बार हमने स्टिमुलेशन यहां से दिया, हम क्यों ए ही साइड से दे, हम बी साइड से भी देंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है। तो जब हमने बी साइड से स्टिमुलेशन दिया तो क्या हुआ, अगेन मेम्ब्रेन डिपोलराइज्ड हुई मतलब पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा, जब पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव जब नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन ही हमें देखना है कि किस तरफ जा रहे हैं, अगर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो आपकी जो निडल है वो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गई। अब ये देखो कि चार्ज का मूवमेंट, अगेन मैं 10 बार रिपीट कर रही हूँ, चार्ज का मूवमेंट ही डिपेंड करता है। फिर इसके बाद जब मेम्ब्रेन फुल्ली डिपोलराइज्ड है तो ये न्यूट्रल स्टेज आ गई, एंड फिर है आपका रिपोलराइजेशन, तो अगेन यहाँ तक आपका पूरा जब डिपोलराइजेशन हुआ तो रिपोलराइजेशन इस तरफ से आना शुरू हुआ, तो चार्ज का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो आपकी निडल पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो गई। इसमें यही है, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जब जैसे ही हम ECG मशीन का वायर बॉडी पे लगाते हैं तो ये भी ऐसे ही काम करती है कि डिपोलराइजेशन हो रहा कि रिपोलराइजेशन हो रहा, ऊपर से ये इलेक्ट्रोड के किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डिपोलराइजेशन है, डिपोलराइजेशन मीनिंग कि जब पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, तो जो आपका ग्राफ बनता है ना ऐसे, फिर ऐसे ऐसे कुछ, फिर इस तरीके से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये बेसिकली इसी वजह से बनता है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वजह से। तो अगर अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि ये समझ में भी तभी आएगी जब हम ECG का इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये बस आपको एक्सपेरिमेंट इतना याद रखना है कि कैसे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, और जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो आपकी नेगेटिव की तरफ निडल हो जाएगी, जब फुल्ली चार्ज रहेगा डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन तो जीरो रहेगा, और जब ये आपके चार्जेस नेगेटिव चार्ज अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे तो मतलब इलेक्ट्रोड ही आपको याद रखना है कि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा,
निडल पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगी, अगर वो नेगेटिव के डायरेक्शन में जा रही है तो निडल नेगेटिव में जाएगी, एक्सेप्ट चार्ज भी नेगेटिव हो डायरेक्शन भी नेगेटिव हो तो आपकी निडल पॉजिटिव हो जाएगी। तो बस इतना ही है ये। अब नेक्स्ट जो था ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि इन्होंने जो हमारी मायोकार्डियल सेल्स थी उनके बीच में पुरकिंजे सेल लगा दी, क्योंकि जो पुरकिंजे सेल्स होती है ना वो एक्शन पोटेंशियल को ज़्यादा वो कैरी करती हैं, एक्शन पोटेंशियल को बहुत अच्छे से कैरी करती हैं। अब क्यों? क्योंकि आपके जो ये पुरकिंजे सेल्स होते हैं यहाँ पर गैप जंक्शंस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मायोकार्डियल सेल्स, तो यहाँ पर डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके का आप कोई फिनोमिना लेते हैं जहां पर कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जिनके पास गैप जंक्शन ज्यादा है और कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनके पास गैप जंक्शन मॉडरेट है, तो ऑब्वियस सी बात है जिनमें गैप जंक्शन ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा कंडक्टेंस होगा, वहां पर ज्यादा सोडियम का डिफ्यूजन होगा, ज्यादा एक्शन पोटेंशियल होगा। तो उस डायरेक्शन में आपका जो वेक्टर है ये वाला, देखो यहाँ पर मैंने वो वाला डायग्राम रेस्टिंग फेज का नहीं बताया, यहाँ मैं डायरेक्टली डीपोलराइज बता रही हूँ। तो रेस्टिंग फेज में तो आपका वेक्टर जीरो होगा, लेकिन जैसे ये डीपोलराइज्ड हुई तो यहाँ पे जंक्शन ज्यादा थे तो ज्यादा डिफ्यूजन हुआ, जब ज्यादा डिफ्यूजन हुआ तो आपका एक्शन पोटेंशियल ज्यादा डेवलप हुआ, तो ज्यादा डेवलप हुआ लेकिन मूवमेंट तो पॉजिटिव चार्ज का है तो वेक्टर आपका स्ट्रांग हुआ। तो जैसे ही वेक्टर स्ट्रांग हुआ तो जो हमारी पिछली स्लाइड थी वहां पर निडल केवल इस प्लस पे जा रही थी, यहाँ पर जैसे इसको 10 मान लो, इसको 20 मान लो, इसको 30 मान लो, 40, 50 एंड 60 कुछ ऐसे मान लो, तो इस बार आपकी निडल कहाँ चली गई, 20 पर चली गई। तो ये जो कैटेगरी है ये स्ट्रॉन्ग वेक्टर की, जो मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और अगेन फिर वो ही सिचुएशन आ जाएगी कि फिर आपकी ये फुल्ली जब डिपोलराइज रहेगी तो आपका नेगेटिव रहेगा, फिर रिपोलराइज रहेगी तो माइनस की तरफ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट, यदि आप मेम्ब्रेन की थिकनेस को भी बढ़ा देते हैं, तो अगर आप मेम्ब्रेन की थिकनेस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो भी आपको स्ट्रॉन्ग वेक्टर मिलेगा। रीजन क्या है कि अभी एक मेम्ब्रेन थी तो यहाँ पर सेल्स भी कम थी, प्लस में सोडियम के बीच ट्रांसपोर्टेशन के लिए गैप जंक्शंस भी कम थे। जैसे जैसे आपने मेम्ब्रेन बढ़ाई, मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ाई, तो गैप जंक्शंस भी बढ़ गए। तो जैसे ही ये गैप जंक्शंस बढ़े तो सोडियम का इन्फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा होने लगा, तो अगेन एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ा। तो फिर से अगर आप थिकनेस की बात करें, अगर आप पुरकिंजे फाइबर ऐड करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग वेक्टर मिलेगा, और वहीं पर यदि आप मेम्ब्रेन थिकनेस भी बढ़ाएंगे तो भी आपको स्ट्रॉन्ग वेक्टर मिलेगा। और डायरेक्शन अगर आप चेंज करेंगे तो जैसे प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन में निडल के चेंज हुआ था, तो सेम वही रहेगा। बस इतना याद रखना है, अगर पुरकिंजे फाइबर ऐड करते हैं तो आपका एक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, वेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। यदि मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ाएंगे तो भी आपका जो है वेक्टर स्ट्रॉन्ग मिलेगा, और जब ये फुल्ली डिपोलराइज्ड या रिपोलराइज्ड होगी तो अगेन फिर आपको न्यूट्रल सिचुएशन मिलेगी। तो ये वेक्टर का मूवमेंट है, ये वेक्टर का डायरेक्शन है कि किस तरीके से डायरेक्शन जो है वो वेक्टर का यहाँ वहाँ हो रहा है गैल्वेनोमीटर, और ये सारा आपका गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट है, निडल का मूवमेंट है। तो करना क्या है कि ये जो है अभी इसका आपको शायद कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, तो जो हमारा नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन का है वो पूरा आपके इस निडल के मूवमेंट पर ही है। तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपको करना क्या है कि ये सारा उसमें अच्छे से याद करके आना है। एक तो आपका है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, एंड सेकेंड है आपकी वेक्टर की स्टोरी। ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए तो आप ईसीजी बिल्कुल ऐसे समझ जाओगे। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ आपको ईसीजी नहीं समझ में आएगी। तो वेक्टर का ये चीज़ बस आप याद रख लो, जो जो मैंने ये एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में बताया है सारी चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे ही मैं इसी चीज़ बताऊंगी मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगी। डायरेक्शन अगर मैं कह रही हूँ पॉजिटिवली चार्ज है, आपको पता होना चाहिए अच्छा कौन सा मूवमेंट हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये निडल पॉजिटिव हो गई, निडल अगर नेगेटिव है तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ईसीजी इंटरप्रिटेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक क्या करना है कि कार्डियक एक्शन पोटेंशियल प्लस इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एकदम याद कर लो। तो जैसे ही आप याद कर लोगे ईसीजी पूरा समझ में आ जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे ईसीजी के सारे क्वेश्चन जो इस वाले चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन है प्लस में इंटरप्रिटेशन के एक साथ सॉल्व कर देंगे। मैं पूरा आपको इंटरप्रिटेशन बता दूंगी,
आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या करना है कि रिवाइज करना है एंड रिकॉल करना है इन दोनों लेक्चर को, तब जाके उस थर्ड लेक्चर पे कार्डियक फिजियोलॉजी का जो थर्ड लेक्चर है उस पर स्विच करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।